हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबके लगातार कमेंट आ रहे थे डीबी को लेकर के, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी 3.0 में, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मेरा आदि नाम में मिस्टेक है या कहीं इरर है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, पापा के नाम की स्पेलिंग गलत है या कुछ ऐसे डाउट्स थे। और इसके अलावा ओटीपी वाला जो मोबाइल नंबर है, यानी कि जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, उसको लेकर के बहुत सारे डाउट थे। बहुत सारे लोगों ने पैन कार्ड भी अभी तक नहीं बनवाया, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आ रहे थे और आप सभी ने मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने अपनी क्वेरीज वहां पर मेंशन की। और अब बात करते हैं इस वीडियो के एंड तक, डीवी को लेकर के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और आई होप अभी तक आप लोग ऐसे शांत नहीं बैठोगे, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी डीवी को लेकर के कि क्या कैसे करना है, और एक हल्का सा आइडिया आपको मिल गया होगा। बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस वीडियो के एंड तक आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे आधार में दूसरी स्पेलिंग है या टेंथ की मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको परेशान नहीं होना है, पहली चीज़ अपने मन से डर निकालना है कि डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। जिनका भी मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट कुछ इधर उधर होते हैं, उनको दूसरे दिन बुला लिया जाता है कि आप नेक्स्ट डे आओ। डीवी तो आपका होना ही है, बट जो डॉक्यूमेंट्स गलत है या कुछ इधर उधर है, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई इरर है, तो उस चीज़ को अगले दिन आपको बुला लिया जाएगा। और पहली चीज़, डरना उसे है जिसका कोई, जिन्होंने कुछ गलत फॉर्म फिल किया हो या कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया है। जिसका सारा कुछ सही है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ भी ऐसा नहीं कि फॉर्म में गलत फिल किया है या छिपाया गया है या कुछ भी ऐसा है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी भी एक फ्रेंड थी, उसका भी ऐसा ही था कि हाई स्कूल की मार्कशीट में दूसरा नाम था, स्पेलिंग मतलब नेम वही था बट स्पेलिंग चेंज थी, और आधार में दूसरी स्पेलिंग थी, तो वो दोनों डिफरेंट थी। तो उसने बताया मुझे कि कुछ ऐसा नहीं परेशान होने वाली बात है, वहाँ पर एक एफिडेविट बन गया था, यानी कि शपथ प्रपत्र आपने बनवा लिया था और तो उसने बनवा लिया था, और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके जो है एक्सेप्ट कर लिए गए थे। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक है या पापा के नाम की स्पेलिंग चेंज है, वो अपना एक एफिडेविट यूज़ कर सकता है और डीवी आपकी जो है, डीवी से आप बाहर नहीं होगे, तो इस डर को निकाल दो। दूसरी चीज़, ओटीपी को लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आधार कार्ड में जो नंबर है उस पर ओटीपी आएगी, तो वो पापा का नंबर है, ले जाना पॉसिबल नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मेरे साथ भी यही था कि जो मेरा आधार कार्ड जिस टाइम पे बना हुआ था, उस टाइम पे शायद मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तभी उस पर पापा का नंबर लगा हुआ, क्योंकि उसके बाद से तो मुझे मतलब जहाँ भी फॉर्म भरना कुछ भी, तो मैंने अपना नंबर वहाँ पर लगाया हुआ था, तो पापा का नंबर लगा हुआ था आधार कार्ड में। बट उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब ये था कि पापा का फ़ोन नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनको बहुत सारे कॉल आते हैं और एक दिन के लिए भी हम पापा का फ़ोन नहीं ले सकते, तो वहाँ तो दो तीन दिन लग ही जाते, तो मैंने उसको चेंज करा लिया है। और आपके भी अगर ये दिक्कत है कि आपको पता है कि मतलब आधार कार्ड का नंबर किसी और का मोबाइल नंबर वहाँ पर लिंक है, तो आप उसको चेंज करा लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने आसपास किसी भी बैंक में जाकर पता कर सकते हो कि हाँ वहाँ पर ये सुविधा है या नहीं, या नहीं है तो कहाँ पर ये सुविधा अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप लोग बैंक में जाकर पता कर सकते हो और वहाँ से आप लोग अपना चेंज करा सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि जो आसपास बैंक है उसमें जाकर आप पता कर लो, उन्होंने बता दिया कि हाँ उस बैंक में जाओ, वहाँ उस ब्रांच में जाओ, वहाँ पे हो जाएगा। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान बैठा होता है, वो अपना सिस्टम पूरा लैपटॉप वगैरह सब रख के पूरा स्कैन करके, आँख वाँख सब कुछ करके फिर आपका चेंज कर देते हैं मोबाइल नंबर। तो एक फॉर्म भरते हैं, 50 रुपये केवल पड़ते हैं, तो मैंने उस चीज़ को करा लिया और 24 घंटे बाद ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, आपका नया नंबर आ जाता है। तो अभी ये जो जिसको भी इस चीज़ का इशू है वो सही कर ले, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन की गई है कि वही मोबाइल नंबर यूज़ करें लेकर आए, या वही मोबाइल लेकर आए जो आधार कार्ड से लिंक है, तो आप वही मोबाइल नंबर या वही मोबाइल को वहाँ पर लेकर जाएं, इस चीज़ को क्लियर रखें। बाकी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या पैन कार्ड भी ज़रूरी है, तो जिस किसी का भी पैन कार्ड नहीं बना है वो अपना बनवा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन में बन जाता है पैन कार्ड, मेरा बहुत पहले बना हुआ था तो मुझे इतना याद भी नहीं है, बट हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप पैन कार्ड चाहो तो अर्जेंटली बनवा सकते हो, 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा कुछ टाइम होता है वो लगता है, फॉर्म फिल होता है ऑनलाइन और आपका पैन कार्ड आपके घर आ जाता है, तो पैन कार्ड मस्ट है, आप लोग बनवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि SBI में अकाउंट नहीं है तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए, चल तो जाता है कहीं का भी अकाउंट, जहाँ तक मुझे लगता है शायद, बट उसमें लिखा हुआ है कि आपका SBI का अकाउंट होना चाहिए, SBI का पासबुक चाहिए या फिर एक चेकबुक चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको जाके बैंक सीधे SBI अपने आसपास SBI में जाकर आपको एक अपना अकाउंट ओपन करा लेना है। मेरा SBI में पहले से अकाउंट था तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई, मैंने अपना पासबुक जो है वो नया प्रिंट करा ली, क्योंकि पुराना वाला जैसे बैंक में काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है ना, तो वो एक्सपायर हो जाता है, नया पासबुक वो देते हैं, काफ़ी चेंज करके डिजाइन वगैरह उसकी चेंज कर देते हैं, तो वही पासबुक मेरा चेंज हुआ है। और आप लोग भी चाहें तो अपना पासबुक चेंज करा सकते हो, न्यू पासबुक को मतलब
चेंज कराने का मतलब उसमें जो भी ऊपर आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, वो सारी चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए। तो अगर आपके पासबुक खराब हो गया है या वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप अपना नया पासबुक इशू करा सकते हो। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और अभी कुछ दिनों के बाद जब डीवी के बारे में पता चलेगा कि कब से स्टार्ट होगी या कुछ भी, तो पोर्टल पे आपकी जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर वो खुद आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे और आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो कि वहाँ पर आप अपना फॉर्म वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, और वो सारे लाइन से रख लेना है। एक फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है और एक फाइल में उन सबकी एक एक सेट बनाना है, मतलब फोटोकॉपी का पूरा सेट बना के रख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, बट अगर नहीं पता है तो आप अपनी दो फाइल तैयार कर लीजिए। इसके अलावा एक सेट एक्स्ट्रा फोटोकॉपी रख लीजिए अपने पास, या दो सेट बना के रख लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 10 फोटो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये सारा कुछ आप लोग अपना तैयार कर लीजिए और पूरा लाइन से सेट करके रख लीजिए। दो फाइल आपको चाहिए। इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करूँगी। और डीवी के लिए आप सभी लोग तैयार हैं तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरफ से ही हूँ, तो मुझे भी विश करिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।